एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं रागी की रोटी। ये रागी जो है ना, इस तरह की होती है, जैसे सरसों के बीज होते हैं, मस्टर्ड सीड्स। ये लिया है हमने 1 कप आटा। ये वाला आटा जो है ये रागी का है, थोड़ा रेडिश कलर आता है। ये वाला जो कप होता है ना, उससे मेजर कर लिया। आप कोई कटोरी ले सकते हैं। और पानी लिया है यहाँ मैंने 1 1 कप फुल और 1/4 कप। तो इसको हम रखते हैं बॉईल होना। पानी उबलना हमने रख दिया है। इसमें हम बहुत ही थोड़ा सा, यानी 1/4 टीस्पून के करीब डालेंगे घी, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें नमक स्वाद के अनुसार, और पानी को उबलने देते हैं। पानी उबल गया है, अब हम इसमें ये जो 1 कप आटा हमने लिया था वो डाल देंगे। ठीक है, गैस को कर देंगे ऑफ और इसको मिक्स करेंगे हम। ऐसे हम इसको मिक्स कर देंगे जल्दी जल्दी, बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें। और फिर इसको ना, भाप आ रही है, अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। इसको फिर हम ढककर ना रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए, इस तरह से ना हमने लकड़ी के स्पैचुला से अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है चारों तरफ से। अब हम इसको ढककर रखेंगे, जो ये रागी का आटा है ना जो हमने गूंथा है, इसको ढक के रख देंगे। मैंने 10 मिनट ही इसको रखा है। ये देखिए, कुछ ही इस तरह का हो जाता है आटा। शुरू में आपको गीला गीला लगेगा, लेकिन बाद में ये ठीक हो जाएगा। और अभी भी आटा ना गर्म है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी लेके। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें निकाल लेंगे परात में। अब बिल्कुल सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि आटा बहुत वो है। जरा सा हमने घी लगा लिया अपनी उंगली पे, और इसको हम ऐसे, देखिए कितने अच्छे से ये आटा, आप देखो ये चिपकेगा भी नहीं और बहुत अच्छे से ये बन के तैयार है। देखिए, तो ये काफी क्वांटिटी हो जाती है। अगर आपको एक दो रोटी ही बनानी है ना, मैं आपको बताऊंगी इसमें से कितनी बनेगी। ये देखिए, तो आपको न गूंथने की जरूरत है न मथने की जरूरत है, और इतने आसानी से रोटी इसकी कैसे बनेगी, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें से लोई तोड़ेंगे। जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी है, थोड़ा सूखा आटा लगा के हाथ पे ऐसे हम इसकी लोई तोड़ेंगे, और इसको सूखे आटे में डस्ट करेंगे। देखिए, इसमें हमने बिल्कुल भी गेहूं का आटा नहीं डाला है, और कितने आसानी से ये रोटी बन जाएंगी। इसको चारों तरफ से ऐसे बीच में से ऐसे प्रेस करते हुए, देखिए ठीक है, ऐसे गोल करेंगे। इस पे हल्का सा लगाएंगे हम सूखा आटा, और मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से बिल जाएंगी। जितनी पतली बनानी है, मोटी बनानी है, आपके सामने है। मैंने कुछ भी इसके अंदर और नहीं डाला है, बस ये है कि स्मूथ आटा हो जाता है अगर आप ऐसे करके रोटी बनाते हैं। तो हल्का सा घी डाल दें, हल्का सा नमक डाल दें, और यकीन मानिए ये इतनी बढ़िया रोटी लगती है। ये देखिए, टूट रही है कहीं से, और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी। तो इसको डालते हैं हम तवे पर। ये हमने डाल दी है, अब हम इसके सिकने की इंतजार करते हैं। छोटी छोटी रोटी कैसे बनानी है, ऐसे ही बस जितनी आप लोई लेंगे उतना आप तोड़ के रोटी बना लें, मोटी पतली जैसे आपके घर में खाते हैं। बहुत आसान तरीका है, फ्रेश बनाइए, फ्रेश खाइए। जैसे हमने ना ये आटा ऐसे ले लिया है, थोड़ा सा हाथ में ये घी लगाइए या जो भी है। तो आपको मैं बताऊं, देखिए अगर आप छोटी बनाएंगे ना, छोटी रोटी इस तरह की, तो आपके कितने पीस इसमें से निकल जाएंगे, 1 2 3 है ना, 4 5 6 रोटी आपकी बन जाएंगी, क्योंकि मैंने वो बड़ी बनाई है। तो 5 to 6 रोटी आप अपने अकॉर्डिंग इसकी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आटा लेना हो, जितनी आपको रोटी चाहिए उसके हिसाब से आप इसको बनाइए। और हम लगाएंगे सूखा आटा, इसको ऐसे थोड़ा हाथ से बढ़ाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बीच में से ऐसे इसको बढ़ा देंगे, बनाएंगे, और फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगा के और इसको बेल लेंगे रोटी को। बहुत स्मूथ, बहुत ही अच्छे से बिल जाती है, इतना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आपको कोई पॉलिथीन यूज करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, बढ़िया सी रोटी हमारी बिलकर तैयार है।
उठने में भी आसान है ना। तो आइए चेक करते हैं तवे पर हमारी जो रोटी पड़ी है, ये हमारी रोटी है, इसको हम चेक करते हैं। अभी सिकी नहीं है, थोड़ा गैस मीडियम करते हैं हम इसको, लो थी। ये थोड़ा हमारी ठंडे तवे पर रोटी डल गई थी, तो इसलिए आप थोड़ा सा तवा ना गर्म होने के बाद ही रोटी सिके। रोटी अच्छे से फूल रही है, देखिए बहुत अच्छे से सिक रही है। तो आप देख रहे हैं हमने कपड़े की सहायता से चारों तरफ से रोटी को जो है ना अच्छे से सेक लिया है। तो ये रोटी हमारी बनकर तैयार है, इसको निकालते हैं और दूसरी रोटी हम तवे पर डाल देंगे। जब तक ये रोटी सिक रही है मैं आपको दिखाऊं, इस पे लगा लिया हमने घी, हल्का सा घी लगाया है और ये बड़ी सॉफ्ट है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट रोटी है। तो बनाइए आप इस तरह। हाँ, इसको सेकने में टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि आप जल्दी जल्दी पलट देंगे, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। ये देखिए आराम से पलटी जा रही है, अब इधर हल्का ब्राउन है, अब पीछे अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पर आप इसको रोटी को सेकिए तवे पर, देखिए रोटी सिकना शुरू हो गई है दोनों तरफ से। अब आप इसको कपड़े की सहायता से ना हल्के हल्के हाथ से ऐसे करें तो आपकी रोटी ना फूली फूली बनेगी, देखिए है ना फूली रोटी। दोनों तरफ से आपको जितनी सेकनी है सेक सकते हैं, कैसी खानी है आपको, कैसी आप सिकी हुई खाते हैं, बट ये कि अच्छे से सिक जानी चाहिए, ये नहीं कि अंदर से कच्ची रह गई, है ना। तो आशा करती हूँ अब सबको ये रोटी बनाना मुश्किल नहीं लगेगा, है ना, आसान रहेगा। तो इसको रोटी को सेक कर मिलते हैं आपसे। और ये रोटी सिक गई है हमारी, यम्मी सी रोटी बनकर तैयार है। इस पे लगाएंगे हम थोड़ा सा घी। जिस भी मर्जी सब्जी के साथ खाइए, शाम को चटनी के साथ खाइए, ये रोटी बहुत बहुत बढ़िया लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।